मेरी उम्र 9 साल थी। मैं अपने सौतेले बाप के साथ अकेली रहती थी। एक दिन मेरे बाप ने मेरे साथ रात के इस पहर में छत पर बैठी रो रही थी। मेरे साथ आज जो कुछ हुआ था मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक मासूम और नादान लड़की थी, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब ऐसे भी होता है। अपने बाप से इस तरह के किसी भी काम की तवक्को करना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन ये सब हो चुका था और उस वक्त मैं बेबसी और परेशानी की हालत में छत पर छुप के बैठी हुई थी। मुझे उस वक्त भी बहुत खौफ महसूस हो रहा था और मैं गम के मारे रोए जा रही थी। न जाने अम्मा कहाँ थी, अभी तक क्यों नहीं आई थी। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं खामोशी से इसीलिए छत पर आ गई। इस वक्त मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था और मैं घबरा रही थी। बार बार मैं इधर उधर देखती और जैसे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे इर्द गिर्द खामोशी, सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था, जबकि मुझे अम्मा का इंतज़ार था और आज तो अम्मा को देर भी हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे अब मुझसे किस किस्म का प्यार करते हैं। ये एक बाप और बेटी वाला प्यार है या इससे कुछ हटकर है। मुझे इस प्यार की नौीयत समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं समझाया था और मेरी माँ को इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो इन बातों पर तवज्जो देती। और इस खौफ से मैं अम्मा से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मैं इसी तरह कोने में लगी हुई न जाने कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मेरी आँख खुली तो अम्मा मुझे झंझोड़ कर उठा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि आखिर क्या हुआ है, तू यहाँ पर छुप कर क्यों बैठी है। मैं सारे घर में तुझे ढूंढती फिर रही थी, क्या हुआ है नाजो, अम्मा ने मुझसे पूछा। तो मैं बेख्तियार अम्मा के साथ लग गई और कहने लगी, अम्मा तो मुझे यूँ अकेला छोड़कर मत जाया कर, मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। तू नहीं जानती मेरे साथ क्या होता है, मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के ना जाया कर। मेरी बात सुनकर अम्मा परेशानी से कहने लगी, नाजो इसमें डरने वाली क्या बात है, तू अपने घर में रहती है, अपने अब्बा के साथ होती है, फिर तुझे क्या परेशानी है। अम्मा मुझे दिलासे देते हुए अपने साथ लगाए नीचे लेकर आ गई, जबकि मेरी आंखों में अभी भी खौफ की कैफियत फैली हुई थी और मैं अभी भी डरी हुई थी। मैं अब 8 साल की हो चुकी थी और एक दिन यूं ही जब मैं स्कूल से वापस आई तो सईद अंकल अपने कमरे में लेटे हुए थे। मैं हैरान हुई क्योंकि उस वक्त वो बाहर सेहन में ही बैठे होते हैं और मेरा इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज वो खिलाफ मामूल कमरे में लेटे हुए थे। मैंने हैरत से जाकर उनसे पूछा, कहा अंकल क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है। वो कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में दर्द हो रहा है। मैं फ़ौरन अपना बस्ता रख के उनके करीब आई और कहने लगी, अंकल मैं आपका सर दबा दूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ दबा दो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनका सर दबाने लगी। उन्हें बड़ा सुकून सा महसूस हुआ। कहने लगे, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरे सर पर लगते ही मुझे एकदम सुकून आ गया है। अंकल की बात सुन के मैं मुस्कुरा दी और कहने लगी, अम्मा भी यही कहती हैं कि जब तुम सर दबाती हो तो मेरा दर्द ख़त्म हो जाता है। मैंने खुशी से चहकते लहजे में कहा और जोश जोश से अंकल का सर दबाती रही। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कब अंकल के हाथ मेरी टांगों के ऊपर फिसलने लगे और बार बार वो कभी मेरी पिंडली को हाथ लगाते, कभी मेरे हाथ को थामने की कोशिश करते। मैं अपने जोश में बातें कर रही थी और मुझे उनकी ये गैर मामूली हरकतें महसूस ही नहीं हुई। मैं अभी अंकल का सर दबा ही रही थी कि बाहर से अम्मा की आवाज़ आई, नाजो नाजो कहाँ हो, तू घर पे है, अभी स्कूल से आई नहीं क्या। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैंने अम्मा को वहीं से ज़ोर से आवाज़ दी, अम्मा मैं यहाँ पर हूँ, अंकल का सर दबा रही हूँ। जबकि अंकल एकदम बिदक के हटे और कहने लगे, अच्छा यहाँ से पीछे हट जाओ और जाओ जाकर कपड़े तब्दील करो। अंकल का रवैया एकदम बड़ा दरिश्त सा हो गया था। ताहम मैं कुछ ना समझते हुए फ़ौरन बाहर आ गई तो अम्मा कहने लगी, क्या बात है नाजो, तूने अभी तक कपड़े भी नहीं तब्दील किए, क्या हुआ है। तो मैंने कहा, अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उनका सर दबाने बैठ गई थी, अब तब्दील करती हूँ। मैं आहिस्ता से कहते हुए कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। सच बात तो ये थी कि मुझे अंकल की इस तरह डांटने का बड़ा दुख हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी क्या गलती थी जो अंकल मुझे यूँ डांटने लगे, जबकि इससे पहले तो उनका रवैया बिल्कुल ठीक था। ताहम कुछ देर के बाद मैं भी भूल भाल गई और मुझे भी ये बात याद नहीं रही। अभी कुछ अरसे से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी तबीयत बड़ी थकान और बेजारी से क्यों रहने लगी। मैं सवेरे से ही सो जाती थी और अम्मा बहुत सवेरे देर तक जागती थी और सुबह होते ही घर के काम निपटा कर अपने काम पर चली जाती थी। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बीमारी थी,
बस अजीब सी सुस्ती और बेजारी रहती थी। सारा जिस्म थकन से टूट रहा होता था, कुछ करने को दिल ही नहीं करता था। सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती थी, कभी उल्टी भी आती थी, चक्कर भी आते थे। मेरी माँ मुझे कहती थी, तुम खाती पीती नहीं, इस वजह से कमज़ोर हो रही हो। उन्होंने मुझे ताकत की दवाई ला कर दी थी। फिर होले होले मेरा पेट फूलता जा रहा था। मेरी अम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती थी, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा कि डॉक्टर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं दवाई लेकर देता हूँ, उधर उसकी सुबह तबीयत सही हो जाएगी। दवाई खाने के बाद फिर भी मेरी तबीयत सही नहीं हो रही थी। अम्मा को काम से छुट्टी नहीं मिल रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाती, और उनके पास इतने पैसे भी जमा नहीं हो पा रहे थे क्योंकि गाँव के इर्द गिर्द कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए हमें शहर जाना पड़ता। शहर के लिए गाड़ी का किराया, खाने पीने का खर्चा और डॉक्टर की फीस, इसलिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। अम्मा मेरे पेट को देख के परेशान होती रहती थी, लेकिन उनका ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। मगर एक रोज़ जब अब्बा ने दिन दिहाड़े मुझे, मैं 9 साल की हो गई थी और स्कूल जाती थी, मैं अब 4th क्लास में पढ़ती थी, मैं अपनी अम्मा और नानी के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था तो अम्मा नानी के पास ही आ गई। मैं तब 3 साल की थी। अम्मा ने मुझे मेरे ददियाल नहीं छोड़ा था, बल्कि वो मुझे अपने साथ ही नानी के पास ले आई थी। नानी मेरी अकेली रहती थी क्योंकि अम्मा इकलौती थी और उनका कोई और बहन भाई नहीं था। अब्बा के साथ उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी थी, इसलिए नानी ने जब अम्मा से कहा कि दूसरी शादी कर लो, अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुझे ज़रूरत है, कोई भी अच्छा साथी मिल जाएगा, यूँ अपनी जवानी ना रोल, लेकिन अम्मा नहीं मानी और यही कहने लगी कि मैं नाज़ों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। जिस तरह तूने मेरे अब्बा के बाद शादी नहीं की और सारी ज़िंदगी मेरी तरबियत में वक्फ कर दी, इसी तरह मैं भी नाज़ों के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। अम्मा ने नानी को साफ साफ मना कर दिया। यही वजह थी कि नानी भी चुप कर गई, क्योंकि वो जानती थी कि अम्मा की अपने शौहर के साथ मोहब्बत बेपनाह थी। नानी और अम्मा कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उनके अलावा मेरे घर के पास ही बाजी रेशम रहती थी, जिनके साथ अम्मा की बहुत दोस्ती थी। वो अम्मा की बचपन से सहेली थी और उसने शादी नहीं की थी, वो अब भी कुंवारी थी। अम्मा को अपने अलावा अगर किसी पर भरोसा था तो वो रेशम ही थी, और यही वजह थी अक्सर अम्मा कहीं देर काम के लिए जाती तो वो मुझे रेशम बाजी के घर छोड़ जाती, और यूँ मेरी भी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उन्हीं दिनों में जब मौसम बदलने लगा तो नानी के तबीयत एकदम ख़राब हो गई। अम्मा के तो हाथ पैर फूल गए, नानी को तो नमोनिया का अटैक हुआ था और वो हमें छोड़कर चली गई। तब मैं सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन नानी की मौत का गम बहुत बड़ा था। अब अचानक उनकी मौत ने हम दोनों को हिला कर रख दिया था। अम्मा जब काम पर जाती तो मुझे अकेले छोड़ते हुए डरती, मैं इसलिए रेशम बाजी के पास आ जाती, लेकिन अम्मा कब तक मुझे यूँ उनके घर छोड़ती? कुछ ना कुछ तो उसका बंदोबस्त करना था। अम्मा को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या करें, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे रेशम बाजी के घर जाना भी अच्छा नहीं लगता। अम्मा जब सुबह काम पर जाती थी तो रोज़ अच्छी तरह समझा के जाती और कहती कि रेशम बाजी को ज़्यादा तंग मत करना। जब मैं 7 साल की हुई और नानी को मरे हुए 1 साल हो चुका था, तो एक दिन रेशम बाजी के घर उनका कोई दूर का कज़न आया। वो पहले दुबई होता था और अब वो अपनी खाला से मिलने के लिए इधर आया था। कहा यह जाता था कि शायद पहले वो रेशम बाजी का मंगेतर भी रहा था, लेकिन अम्मा को इस बारे में ज़्यादा तफसील मालूम नहीं थी। मैं चूँकि इधर ही रेशम बाजी के पास थी, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ मुझसे छोटे छोटे सवाल करता रहा, मुझसे मेरे और अम्मा के बारे में पूछता रहा। मैं भी जवाब देती रही, क्योंकि उन अंकल का रवैया बहुत अच्छा था और वो मुझे प्यार करते हुए छोटी छोटी बातें कर रहे थे। अम्मा मुझे लेने के लिए आई तो वो घर पे ही मौजूद था। अम्मा ने उसे सलाम किया, उसने बड़ी दिलचस्पी से जवाब दिया, और रेशम बाजी की ज़ुबानी ही उसे मालूम हुआ था कि अम्मा बेवा है और अकेली अपनी बच्ची के साथ रहती हैं। हम दोनों तो घर आ गए, लेकिन न जाने उस शख्स के दिमाग में क्या चला कि जो 2 दिन के लिए गाँव आया था अब यहीं का हो के रह गया। अब वो अक्सर आते जाते अम्मा को रास्ते में रोक लेता और हाल चाल दरियाफ्त करता। वो कभी अम्मा से कहता कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि तुम किस तरह से अकेले एक बच्ची की परवरिश कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। आहिस्ता आहिस्ता उसने अम्मा को अपनी बातों के शीशे में उतारना शुरू कर दिया, लेकिन अम्मा सबसे ज़्यादा उससे उस वक्त मुतासर होती जब वो मुझसे मोहब्बत करता।
अम्मा उसके रवैये से उसकी बड़ी ममनून नज़र आती और अम्मा को उसकी मेरे साथ मोहब्बत बहुत अच्छी लगती थी। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता अम्मा की उसके साथ बेतकल्लुफ़ी बढ़ती गई, जो कि निकाह पे जाके ख़त्म हुई। मैं ख़ुद भी इस निकाह से बहुत खुश थी, क्योंकि सईद अंकल बहुत अच्छे थे और मुझसे बड़ी मोहब्बत जताते थे। अब सईद अंकल भी हमारे साथ नानी वाले घर में ही आके रहने लगे। वो ज़्यादातर घर में ही रहते, क्योंकि यहाँ गाँव में तो उनका कोई कामकाज था नहीं। एक दिन मैंने महसूस की बात कि शादी के बाद सईद अंकल का रवैया अम्मा के साथ थोड़ा बदल गया था। वो अक्सर अम्मा के साथ सख्त अंदाज में बोल जाते हैं। अम्मा ने अगर अच्छे कपड़े पहने हों तो उन्हें इस बात पर भी एतराज़ होने लगा कि आखिर तुम ये कपड़े पहनकर किसे दिखा रही हो, और वैसे भी तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो। अम्मा अगर कभी सुर्खी पाउडर लगा लेती तो वो इस पर भी एतराज़ करते और यही कहते कि आखिर तुम ये क्यों लगाती हो, हर काम उम्र के साथ ही अच्छा लगता है। जब उम्र थी तब तुमने कुछ किया नहीं और अब करने बैठ गई हो। नतीजतन अम्मा पहले से ज़्यादा सादी रहने लगी, लेकिन मेरे साथ वो अब भी बहुत मोहब्बत करते और प्यार जताते। और यही वजह थी कि अम्मा उसी में खुश थी कि उनकी बेटी को बाप का प्यार मिल रहा है। हालांकि नई नई शादी हुई थी, लेकिन अम्मा के हाथ में ना चूड़ियाँ थीं, ना कान में झुमके और ना ही लबों पर सुर्खी। लेकिन सईद अंकल का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, इस बात से अम्मा मुतमईन थी। ये उससे दो दिन बाद की बात है, जब अम्मा सईद अंकल के साथ उलझ रही थी और उन्हें कह रही थी कि इतने महीने होने वाले हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम अभी तक कोई काम ही नहीं लगे। मैं आखिर कब तक घर का बोझ उठाए फिरूँ? लोगों के घरों में काम कर करके मेरी हड्डियाँ घिस गई हैं, मैं किस तरह इतना बोझ उठा सकती हूँ? तुम कुछ तो काम तलाश करो, अम्मा ने लजाजत से कहते हुए सईद अंकल की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा तो वह कहने लगे, हाँ हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। सईद अंकल ने लापरवाही से कहा और दोबारा से चारपाई पे करवट लेकर अपना पसंदीदा रेडियो सुनने लगे। अम्मा को उनकी लापरवाही बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हकीकतन सईद अंकल से शादी करके अम्मा को कोई सुख नहीं मिला था, बल्कि उल्टा वो अम्मा के ऊपर ही बोझ बन गए थे। और तब से लेके अब तक उन्होंने अम्मा के हाथ पर एक रुपया भी नहीं रखा था, उल्टा वो अम्मा की कमाई पर ऐश कर रहे थे। घर में सईद अंकल की पसंद का पकता, उन्हें किसी पसंद का खाना खाया कैसे खाते हैं, अम्मा अपनी मेहनत के पैसे भी उनसे मांग मांग कर वसूल करती, क्योंकि जब भी तनख्वाह आती सईद अंकल सारे पैसे अपने हाथ में रख लेते। अम्मा को पहले ये बातें महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि नई नई शादी थी और इसी वजह से अम्मा झिझक रही थी। लेकिन अब अम्मा को ये बातें बहुत महसूस हो रही थी। वो जब देखती कि सईद अंकल घर पर बैठे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता। तहम इस रंजिश के बाद से कुछ दिन तक सईद अंकल का मूड भी ख़राब रहा और अम्मा का भी मूड बुरा रहा। लेकिन फिर एक दिन शाम को सईद अंकल मिठाई का डब्बा लेकर आए, बड़ी खुशी खुशी अम्मा को बताया कि उनके काम का बंदोबस्त हो गया है और अब कल से वो भी काम पर जाएंगे। अम्मा बहुत खुश हुई और खुशी में मिठाई खुद भी खाई और सईद अंकल को भी खिलाई। उस दिन पहले दिन हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस खुशी का ठिकाना क्या होगा और उसी खुशी का अंजाम इतना बुरा होगा। उससे दो दिन के बाद ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे बुखार ने आ लिया, मैं स्कूल से छुट्टी कर चुकी थी। अम्मा को उस दिन अपने काम पर जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो बार बार यही कहनी थी कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ कर नहीं जा सकती, जबकि सईद अंकल ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि तुम चली जाओ, मैं घर पर उसके पास रुक जाता हूँ। अम्मा बेचारी तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि आज उनका जाना बहुत ज़रूरी था। यही वजह थी कि वो सईद अंकल के सहारे मुझे छोड़ कर चली गई, हालांकि वो बार बार मुड़कर मुझे देख रही थी। उनके दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी, लेकिन जाना ज़रूरी था इसीलिए वो चली गई। मैं पहले तो बुखार में बेसुध लेटी रही थी, अभी मुझ पर दवाई का असर था, इसी वजह से मैं ज़रा गुनूदगी में थी और मुझे महसूस नहीं हुआ कि सईद अंकल मेरे करीब ही बैठे हुए थे और कभी मेरे चेहरे पर हाथ फेरते और कभी मेरे बाजुओं पर। उनकी उंगलियां मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, उनका ये छूना मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उन्हें कुछ कह नहीं पा रही थी और बुखार की कैफियत में मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आकर मेरे साथ लेट गए। और फिर जिस तरह उन्होंने मुझे हाथ लगाना शुरू किया, उससे मैं जैसे यकदम अपने हवास में आ गई। मैंने चीखना चाहा, उन्हें पीछे हटाना चाहा, लेकिन बुखार की कमज़ोरी के बायस मैं उन्हें पीछे ना कर सकी। और वैसे भी मैं कमज़ोर बच्ची थी, जबकि वो एक तवाना मर्द था, और फिर वो तवाना मर्द जीत गया जबकि उस कमज़ोर सी बच्ची हार गई।
उस शख्स ने जरा का भी लिहाज नहीं किया कि रिश्ते में मैं उसकी बेटी हूँ और कितनी कम उम्र हूँ। उस शख्स ने अपनी हवस इस तरह बुझाई और फिर मुझे नीम बरहना हालत में उसी तरह जख्मी छोड़कर न जाने वो कहाँ फरार हो गया। मैं दर्द से चिल्ला रही थी, चीख रही थी और दर्द भी इतना था कि नाकाबिले बर्दाश्त था। इतनी देर में न जाने किस वक्त अम्मा आई और मैं नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अम्मा ने जो मुझे इस हालत में देखा तो सत्ते के आलम में दरवाजे के साथ बैठती चली गई। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि जिस पूंजी की वो अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत कर रही थी वो पूंजी आज लुट चुकी है। मैं नीम खुली आंखों से अम्मा को ज़मीन पर बैठा देख रही थी और उसे अपने पास बुलाना चाहती थी। कितने में अम्मा के पीछे से रेशम बाजी चली आई और जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो हक्का बक्का रह गई। उनके मुंह से परेशानी के मारे एक लफ्ज़ ना निकल सका और फिर वो जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे ऊपर चादर डाल दी और अम्मा को झंझोड़ने लगी। अम्मा को जैसे एकदम से होश आ गया और फिर अम्मा रेशमबाजी की बाहों में मचल कर धाड़े मार मार कर रोने लग गईं, अपने सर में मट्टी उठा उठा के डालने लगी और पीटने लगी। रेशमबाजी को अम्मा ने संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन अम्मा संभल ही नहीं रही थी। बाजी को अंदाजा हो गया था कि अम्मा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, यूँ इतनी आसानी से भुलाने वाली बात नहीं है। बाजी ने आगे बढ़ के मुझे देखा फिर कहने लगी, इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यूँ इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। जबकि अम्मा इस हक में नहीं थी लेकिन फिर भी रेशम बाजी के कहने पर वो इलाके की एक लेडी डॉक्टर के पास मुझे ले गए और वहाँ पर इस बात की तस्दीक हो गई कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, बल्कि काफ़ी अरसे से मेरे साथ ये सब हो रहा है और जो इंकशाफ डॉक्टर ने किया उसे सुनकर माँ अपना दिल पकड़ कर बैठ गई। डॉक्टर ने कहा था कि मैं 6 माह की हामला थी और अब्बा की ज़बरदस्ती करने की वजह से मेरा हमल ज़ाया हो गया था। इसका मतलब था मेरा पेट इसी वजह से बढ़ रहा था और अब्बा मुझे अम्मा को नशे की दवाई किसी चीज़ में मिलाकर सुला देते थे और ऐसा घिनौना काम करते थे। मगर जब उन्होंने उस रोज़ दिन के वक्त मेरे साथ ये किया तब उनकी गलीज आँखें गलीज चेहरा मेरी नज़रों में आ गया था। उस डॉक्टर ने भी अम्मा को बहुत बातें सुनाई और अम्मा बेचारी खामोशी से बहते आंसुओं के साथ सब सुनती रहीं। डॉक्टर ने मेरे ज़ख्मों को साफ़ करके मरहम वगैरह लगा दिया और अगले दिन दोबारा आने के लिए कहा। मैं उस वक्त तकलीफ से कर्रा रही थी, इस तरह अम्मा ने मुझसे पूछा कि तेरे साथ ये जुल्म किसने किया है, और जब मैंने सईद अंकल का बताया तो अम्मा की तो जैसे दुनिया ही अंधेर हो गई। रेशम बाजी भी ये नाम सुनकर हैरत से हक्का बक्का रह गई। उनके तो गुमान में भी नहीं था कि सईद अंकल कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। अम्मा गुस्से के मारे कांपने लगी, कहने लगी कि अब एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो आदमी उस दिन के बाद से गायब था और उसका कुछ अता पता नहीं था, ना जाने वो कहाँ गया। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, अम्मा तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। लेकिन रेशम बाजी को भी उसके बारे में कुछ ख़ास पता नहीं था। यही वजह थी कि सईद अंकल का किस्सा पुराना हो गया। मैं उस दिन के बाद से लोगों से बहुत ज़्यादा डरने और घबराने लगी, बाहर कहीं आती जाती नहीं थी और हमेशा घर पर एक कमरे में रहती। अम्मा चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ लेकिन मैं घर पर ही बैठ कर पढ़ती। मैंने सहेलियाँ छोड़ दी, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था और अपने कमरे तक ही महदूद होकर रह गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये बात समझ आ गई थी कि सईद अंकल ने अम्मा से शादी सिर्फ मेरी वजह से ही की थी। उन्हें मालूम हो गया था कि अम्मा मुझे किसी भी पल अकेला नहीं छोड़ती और यही वजह थी कि उन्होंने इतना मजबूत जाल बिछाया जिसमें अम्मा फंस गई। मैं अब जब याद करती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि अम्मा से शादी से पहले भी सईद अंकल का छूना कुछ अच्छा नहीं था। वो हमेशा इसी अंदाज में छूते कि मुझे महसूस भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं घबरा जाती थी। अब जब मैं सोचती हूँ तो ख्याल आता है कि अगर मैं उस वक्त समझ जाती तो शायद अम्मा को खबरदार कर देती और मेरा इतना नुकसान ना होता। लेकिन तब मैं भी कम उम्र थी, नादान थी, इस तरह के छूने को समझ ना सकी। मैं जान ना सकी कि वो इंसान मोहब्बत से नहीं बल्कि हवस से मुझे छू रहा है। अब सोचती हूँ तो ख्याल आता है कि जवान होती बच्चियों के लिए माओं को किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, उन्हें घर पर रहकर बच्चियों की पहरेदारी करनी चाहिए। इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई तो अम्मा ने दरवाज़ा खोला
एक बहुत ही बूढ़ा सा फकीर दरवाजे पे खड़ा था और उसके बाल बढ़े हुए थे और उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह जख्मों के निशान थे, उसके कपड़े फटे हुए थे। अम्मा ने उसे देख के नफ़रत का इजहार किया और जल्दी से अपने पल्लू से बंधे कुछ पैसे निकाल कर उसे पकड़ा दिए, जबकि वो कहने लगा, मैं खैरात लेने नहीं आया, मैं तो माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि माफ़ी मांग सकूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह आवाज़ और ये अंदाज़ अम्मा पहचानती थी, जबकि अंदर बैठे मेरे जिस्म का भी रुआ रुआ कांप उठा। मैं जान गई थी कि यह आवाज़ सईद अंकल की है। मैं डर गई, फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई, जबकि अम्मा उनसे नफ़रत का इजहार करते हुए उसका गिरेबान झंझोड़ रही थी और कह रही थी कि क्यों, आखिर क्यों तूने मेरे साथ ये जुल्म कमाया, क्यों तूने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। जबकि वो रोते हुए अम्मा से यही कह रहा था कि कुदरत ने मुझे इसकी सज़ा दे दी है, ये देखो आज मैं किस हाल में हूँ, डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है और अब मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ। सईद अंकल ने जब ये कहा तो अम्मा ने उसका गिरेबान छोड़ दिया और कहने लगी कि मेरे अल्लाह ने तेरे साथ बहुत अच्छा किया है, उसने मेरे साथ बेहतरीन इंसाफ किया है, जब तू नाहक किसी के साथ ज्यादती करेगा तो फिर ऐसा ही होगा, अल्लाह की लाठी बड़ी बे आवाज़ है, वो जब जालिम पर पड़ती है तो फिर उसे लग पता जाता है, और आज तेरा ये हाल देख कर मैं जान गई हूँ कि मेरा अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। ये कहकर अम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आ गई।